माफिया अतीक अहमद की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। प्रयागराज के चकिया स्थित उसके आवास पर सोमवार को एक बार फिर बाबा का बुलडोजर जमकर गर्जा। बता दें कि कुछ दिनों पहले ही पीडीए ने अस्थायी बाउंड्री वॉल को लेकर नोटिस जारी किया था, जिसके बाद अब पीडीए ने इस बाउंड्री वॉल को गिरा दिया है। इसके साथ ही अन्य अवैध निर्माण के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। बता दें कि कौशाम्बी रोड से चकिया होकर केसरिया जाने वाली सड़क पर 5000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के भूखंड पर अतीक अहमद ने कब्जा करके लगभग 600 मीटर में बिना नक्शा पास कराए ही घर तैयार कर लिया था। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने उसका काफी हिस्सा पिछले साल ढहा दिया था। प्राधिकरण की तरफ से रविवार को बाकी हिस्से ढहाने का आदेश जारी कर दिया गया था। इसी इलाके में अतीक कई करीबियों ने भी मकान बनाकर प्लॉटिंग कर रखी है, जिसके बाद सोमवार को प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम ने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया है। अतीक अहमद के करीबी रिश्तेदार खालिद जफर के अवैध निर्माण पर भी कार्रवाई की तैयारी है। खालिद जफर के झलवा इलाके में करीब 50 बीघे में अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई की जाएगी। पूर्व सांसद ने कौशाम्बी रोड के सरिया मार्ग पर 5000 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में लगभग 600 वर्ग मीटर में बगैर नक्शा पास कराए निर्माण किया था। बता दें कि रविवार दोपहर 4 दुकान समेत 7 अवैध निर्माणों पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण का बुलडोजर चला था। भाजपा के पूर्व विधायक रिश्तेदार के मकान की बाउंड्री वॉल तोड़ दी गई थी। इससे पहले पीडीए का दस्ता ध्वस्तीकरण करने पहुंचा तो विरोध का सामना भी करना पड़ा था। पीडीए के विशेष कार्याधिकारी आलोक पांडे ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर सड़क किनारे सभी निर्माण तोड़े गए। मकानों को तोड़ने के लिए पीडीए का दस्ता शुक्रवार को भी गया था, लेकिन लोगों का विरोध देकर लौट आया। तोड़े गए सभी मकानों के सामने पीडीए ने पहले ही नोटिस चस्पा कर दिया था और ये साफ चेतावनी दे दी थी कि जिसने भी उत्तर प्रदेश में रहकर अवैध निर्माण किया उसका यही हश्र होगा। वीडियो डेक्स अमर उजाला .com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।